सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी मेधा के पाठ 5 तराजू चूहे खा गए के कठिन शब्दों, शब्द अर्थों व श्रुत लेख के बाद आज हम प्रश्न उत्तर का कार्य प्रारंभ करते हैं। आप सभी ने यह पाठ अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो आप प्रश्नों के उत्तर लिखने में पूरी तरह समर्थ होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको बच्चों इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, व्यापारी का नाम क्या था? प्रश्न 2, सोहनलाल कौन था? प्रश्न 3, तराजू किस चीज का बना था? प्रश्न 4, रामू कौन था? आप सभी ने यह पाठ भली भांति पढ़ा है, तो आप सभी इन 4 प्रश्नों के उत्तर खुद लिख सकते हैं। अब कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, आप लोग बुक से नहीं देखेंगे आंसर्स, ठीक है? आप लोग आंसर्स खुद लिखेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर खुद लिखेंगे और करेक्ट स्पेलिंग में लिखेंगे, क्योंकि आप सभी ने श्रुत लेख भी किया है और सुधार कार्य भी किया है। किसने कितना सुधार कार्य किया है वह पता भी चल जाएगा इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद, ठीक है? अब एक छोटा सा एक्सरसाइज वर्क भी है आपका। बताइए कि ये वाक्य किसने कहे। पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो दिए गए वाक्य हैं ये पाठ में किसने बोले हैं। वाक्य हैं, क, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर मैं रामू को कहां से लाऊं? ख, भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठा सकता है? ग, सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये 3 वाक्य इस पाठ में किसने बोले हैं। आपको वाक्य लिखना है और फिर यह वाक्य किसने बोला है आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है? वाक्य लिखने के बाद इसके सामने आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसने यह वाक्य बोला है। तो आपको इन 3 वाक्यों को लिखने के बाद सामने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे, पार्ट 5 तराजू चूहे खा गए, गृह कार्य लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरह सभी को अपना काम करना है बहुत सुंदर लेख में, ठीक है? और बिना किसी गलती के बहुत ध्यान से लिखेंगे, बहुत सुंदर लेख में लिखेंगे। और सभी अपनी नोटबुक्स पर डेट मेंशन करना मत भूला करो, ठीक है? आप लोगों को डेट मेंशन करना, चैप्टर नेम लिखना, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, लिखनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है? तो आपको डेट लिखनी है, होमवर्क लिखना है, गृह कार्य और पाठ का नाम, और फिर आपको कार्य शुरू कर देना है बहुत सुंदर लेख में, ठीक है बच्चों? आगे के प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। अभी और प्रश्न उत्तर हैं इसके, पहले ये छोटे छोटे से आपसे क्वेश्चन किए गए हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है? और इनके छोटे ही आंसर्स हैं, बहुत ईजीली आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।